So, in the contract costing, in the beginning, you can see here introduction is given that what is contract costing. So, it is also known as terminal costing. And it is one of the part of job costing. There are different methods and techniques of costing. So, it is one of the part of job costing in which work is undertaken as per the specification of the customers. कस्टमर हमें जिस तरीके से बताएगा उस तरीके से प्रोडक्ट या तो उसका जो भी काम होगा किया जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे मेरे पास एक लैंड एरिया है और उसमें मुझे मेरा अपना खुद का घर बनाना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा और कॉन्ट्रैक्टर को बताऊंगा कि मुझे इस तरीके से मेरा घर तैयार करना है। तो एज पर माई इंस्ट्रक्शन ही विल कंस्ट्रक्ट द हाउस। उसी तरीके से मैप तैयार किया जाएगा और उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म किया जाता है। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर हु आर अंडरटेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की ही बात होगी, ऐसा भी नहीं है। इन अ लार्ज इंडस्ट्रीज इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मशीनरी बड़ी बड़ी होती है, उनको इंस्टॉल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी इसमें आ सकता है कि देर आर सम कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरी। तो उसमें एक दो महीने में काम नहीं हो सकता है, इंडस्ट्रीज बड़ी होती है। जैसे कि रिफाइनरी आप ले लो, तो रिफाइनरी के अंदर अगर प्लांट एस्टेब्लिश करना है तो उसमें बहुत साल लग जाएंगे, 1-2 साल तो कम से कम लगेगा। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि इट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल दिस। नाउ द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर गिवन। कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली ऑफ लार्ज साइज। सेकंड पॉइंट इज गिवन, अ कॉन्ट्रैक्ट जनरली टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट। कभी कभी 1 ईयर में भी कंप्लीट हो सकता है अगर स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है तो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेकिंग मोर देन 1 ईयर। एंड ऑल द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज कैरिड आउट एट द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो लोकेशन होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पे सारा काम किया जाएगा, नॉट इन अ फैक्ट्री। अभी तक हमने ऐसा देखा कि फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं और वहां पे हम कॉस्ट फाइन करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, जो कस्टमर का लोकेशन होगा जहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा वहीं पे सारा वर्क किया जाएगा। जैसे कि ONGC में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है मान लो, तो ONGC में ही सारा वर्क परफॉर्म किया जाएगा। सो वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज डन एट द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन अ फैक्ट्री। एंड इन दिस केस ईच कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चलते होंगे, तो सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी साइट्स चलती होगी सबके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाएंगे। आपके केस में एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, अदरवाइज जो CA के बच्चे होते हैं या तो जो आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनको 2-3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी एक साथ बनाने को बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ उनको दिए जा सकते हैं। अच्छा, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आप खुद नहीं कर पाओगे या तो आपके वर्कर से नहीं करवा पाओगे, तो आपको बाहर से दूसरे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सम स्पेशलिस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स मे बी एम्प्लॉयड, से फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो उसके लिए हम किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वी आर द कॉन्ट्रैक्टर बट वी विल गिव द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग टू द अनदर कॉन्ट्रैक्टर, तो दे आर नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टर। वेल्डिंग रिलेटेड वर्क होगा तो उसके लिए अलग पर्सन अपॉइंट करेंगे हम, अगर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो। ग्लास रिलेटेड वर्क, विंडोज और सब जगह पे जो ग्लासेस और जो वर्क करना है तो उसके लिए अलग से हम
सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर होगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी परचेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी हायर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप प्रोडक्शन वर्क कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, तो जो मशीनरी चाहिए वो आप परचेस कर सकते हो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या तो किसी से हायर करके ला सकते हो। दोनों केसेस में उसका डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करना रहेगा, क्योंकि तो पूरा का पूरा मशीन तो यूज नहीं हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। हमने मशीन अगर खरीदा है तो बहुत सारी जगह पर हम उसको यूज कर पाएंगे, तो उस मशीन का, उस प्लांट का जो हम यूज करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने खुद का प्लांट एंड मशीनरी अप्लाई नहीं किया है, हायर किया है, तो उसका रेंट यहाँ पे जो भी हम देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे हम एक्सपेंस के तौर पे बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग, जो कवर करने का अभी जरूरत नहीं है। टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की प्रोसीजर बताएंगे, मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो तो देख लेते हैं वन बाय वन। इसे तो एक्सरसाइज में कवर होने ही वाला है। तो सबसे पहले तो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अलोटेड अ डिस्टिंक्ट नंबर एंड अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं तो सभी कॉन्ट्रैक्ट को नंबर दे देगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट नंबर थ्री। इस तरीके से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ जो भी एक्सपेंसेस होगा मटेरियल का या तो वेजेस का या तो और जो भी एक्सपेंसेस हो गए, उनको डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एलोकेटेड डायरेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल सच डायरेक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सुपरवाइजर का कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सब कॉन्ट्रैक्टर जो हम अपॉइंट करेंगे उनका जो चार्जेस पे किया उसका कॉस्ट, ये सारी डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी बोला जाता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज ओवरहेड इज ऑल्सो डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे। देयर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और प्लांट, व्हेन मटेरियल्स, प्लांट और अदर आइटम आर ट्रांसफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दैट अमाउंट। जैसे किसी एक जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अब मान लो वहां पे जो भी हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम लिया है वो सारा काम खत्म हो गया, मतलब पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया। अब कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे कि सीमेंट पड़ा हुआ है या तो सैंड, ब्रिस, ये सारी चीजें पड़ी हुई है, कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई वहां पे, काम कंप्लीट हो गया है और मशीनरीज वहां पे पड़ी हुई है कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी मटेरियल बचा है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम ले जाएंगे जहां पे हमारी दूसरी साइट पर चल रही होगी। तो जब कोई मटेरियल पड़ा हुआ है एक साइट से दूसरी साइट पर ले जा जाते हो तो उसको आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे, क्योंकि जब आपने उस मटेरियल को परचेस किया तब उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया था। अब कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है तो इसको हम स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो अगर आपको कोई स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल का या तो प्लांट का या तो कोई अदर आइटम्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है, तो दैट यू विल क्रेडिट इफ इट इज ट्रांसफर टू द अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्टर अपने कस्टमर के लिए कोई काम लेता है कंस्ट्रक्शन का या तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो एक प्राइस डिसाइड होती है कि इतनी अमाउंट में मैं आपका काम करके दूंगा। जैसे कि किसी का, मान लो आपको बंगलो बनाना है, यू आर द कॉन्ट्रैक्टर, और आपको काम दिया गया है एक कंस्ट्रक्शन का,
तो आप अपनी एक प्राइस बताओगे कि आपका ये जो बंगलो है मैं आपको मान लो 20 लाख रुपीज में कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा, सारा मटेरियल आपका लगेगा। तो ये जो 20 लाख रुपीज आपने डिसाइड किया दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। या तो आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो कि सारा मटेरियल सारा लेबर एवरीथिंग अपने हमारा लगेगा, आपको आपके डिजाइन के मुताबिक आपका बंगलो रेडी करके दे दिया जाएगा। तो जो प्राइस डिसाइड करोगे, मान लो आपने डिसाइड किया कि 5 करोड़ में आपको बंगलो बना के दे देंगे, सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हावेवर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, जब 2-3 साल तक आपका प्रोजेक्ट चलने वाला हो तो 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑन दैट डेट। तो ये चीज हमें जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा वर्क इन प्रोग्रेस किस तरीके से फाइंड करना है। अच्छा, और है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रॉफिट या तो लॉस को जानना चाहते हैं। अब वो कैसे फाइंड करना है, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें आगे देखने हैं। द बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट एंड लॉस विच इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम फाइंड करते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड सारे एक्सपेंस लिखते हैं, जो डिफरेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है या तो नेट लॉस होता है। उसी तरीके से यहाँ आएगा अगर 1 साल में कंप्लीट हो गया है तो। अगर 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें कुछ और वर्किंग करने पड़ेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम फाइंड करेंगे। हावेवर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द वन फाइनेंशियल ईयर ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज अराइव्ड इज टेकन इन टू अकाउंट एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट एनी कंटिंजेंट लॉस ऑन द कंप्लीशन पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा तो आप प्रॉफिट फाइंड नहीं कर पाओगे, उसमें आपको एक नोशनल प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, खाली उसी को कंसिडर करोगे, बाकी का प्रॉफिट जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब फाइंड होगा, जो भी हम एक्सरसाइज में इसको कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग हाउ टू फाइंड दिस प्रॉफिट। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, रफली आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। आज तक जितने भी अकाउंट हमने पढ़े हैं मटेरियल का कॉस्ट होता है डेबिट साइड पे हम लिखते हैं। कुछ मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया है या तो एक साइड से दूसरी साइड पर ले गए हो तो उसको क्रेडिट करना है, ये पहला चीज। कॉस्ट ऑफ लेबर मतलब वेजिस का कॉस्ट, जो भी वेजिस का कॉस्ट आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ बहुत सारा मटेरियल दिया है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि थियरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो वेजिस का कॉस्ट डेबिट साइड पे लिखेंगे, मटेरियल का कॉस्ट डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। अब कभी कभी डेप्रिसिएशन नहीं देंगे तो हमें वो फाइन करना पड़ेगा। उसकी दो मेथड्स यहाँ पे दी है। पहली मेथड में आपको ऐसा बताया है कि अगर आपने कोई प्लांट अप्लाई किया, कोई मशीनरी यूज किया आपने कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट साइड पर लिख दो और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और बाद में उसकी जो वैल्यू आती है वो क्रेडिट साइड पे लिख दो, तो जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन होगा। एक ए मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट को डेबिट साइड लिखना है और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उस मशीन का जो वैल्यू होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, मान लो हमने 50,000 का एक मशीन यूज किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो 50,000 को डेबिट साइड पर लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर। 2 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चला,
2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो इस मशीन की कॉस्ट आई मान लो 45,000। स्टार्टिंग में 50,000 में खरीदा था, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 45,000 होगी। तो इस 45,000 को आप क्रेडिट साइड पे बताओगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, तो डेबिट साइड पे 50 बताया, क्रेडिट साइड पे 45 बताया, तो ये जो 5,000 का डिफरेंस आया वो आपका डेप्रिसिएशन हो गया। एक ही मेथड है जो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में बताई है। दूसरी मेथड है कि आप प्लांट की कॉस्ट लिखो ही मत कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, डायरेक्टली अलग से वर्किंग करो और डेप्रिसिएशन फाइंड करो और उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे बता दो। दोनों मेथड चलेगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया सब कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जैसे पाइप फिटिंग का वर्क है, पेंटिंग का काम है, ग्लास वर्क है, वेल्डिंग वर्क है, स्टील वर्क है, तो इनकी जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे बताई जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। सी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी लॉन्ग, 4-5 साल तक मान लो कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, और आपने डिसाइड किया है कि 5 करोड़ रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देना है, तो 5 करोड़ रुपीज वो कब पे करेगा, कस्टमर आपको कब पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद या इन बिटवीन? तो हमें पता है क्या, कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसों की जरूरत होगी क्योंकि हमने उसको काम दिया है, वो वर्कर्स को लगाएगा, मटेरियल लाएगा, तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करेंगे, 5 करोड़ में से किस तरीके से पेमेंट करेंगे? तो नॉर्मली जो आर्किटेक्चर होता है, जो इंजीनियर होता है, उसके पास से सर्टिफिकेट लिया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कि वो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। और आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेट आएगा उस सर्टिफिकेट में जो वैल्यू लिखी होगी उसका 1% पेमेंट कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को करेगा। सो पेमेंट इज डन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी लॉन्ग, पेमेंट इज डन बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। तो आर्किटेक्ट का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा और उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को, जो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। अच्छा, दूसरा एक चीज होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसमें वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्ग होता है, 4-5 साल तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा कि देर आर सम वर्क विच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड देर आर सम वर्क विच इज स्टिल टू कंप्लीट। तो जो काम हो चुका है उसका जो सर्टिफिकेट होगा दैट इज अ वर्क सर्टिफाइड एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय द आर्किटेक्चर और इंजीनियर विच इज अपॉइंटेड बाय द कस्टमर। कस्टमर अपने आर्किटेक्चर से या तो इंजीनियर से चेक करवाएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स आर्किटेक्चर और इंजीनियर फॉर द पेमेंट। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्चर। अब कस्टमर हमें पेमेंट करेगा तो जो वर्क सर्टिफाइड है, आर्किटेक्चर ने जो सर्टिफिकेट दे दिया है कि इतना काम हो चुका है, उसके हिसाब से हमें कस्टमर पेमेंट करेंगे। सो दैट थिंग वी विल कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें दो हिस्से बनेंगे, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। दूसरा है रिटेंशन मनी इन कैश रेशियो। जिस कस्टमर का हम काम कर रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्टी भी बोलेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम जिसका काम कर रहे हैं वो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है,
तो वो पेमेंट कैसे करेगा? तो अभी हमने बताया ही विल मेक पेमेंट बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। अब आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आ गया तो जितने वर्क का सर्टिफिकेट आया उसका 100% भी वो पेमेंट नहीं करेगा। कस्टमर क्या करेगा? उसमें भी कुछ अमाउंट का पेमेंट करेगा और कुछ अमाउंट बाकी रखेगा। तो मान लो 1 लाख का काम हो गया है और 1 लाख के काम में से हमको खाली 75,000 रुपये मिले और 25,000 कस्टमर अभी नहीं दे रहा है। वो बोलता है कि मैं पहले देखूंगा कि कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गई है जो काम कंप्लीट हो गया है उसमें। तो 25% अमाउंट वो अपने पास रखता है, 25,000 नहीं दे रहा है, 1 लाख में से खाली 75,000 दे रहा है। तो 75,000 मतलब 75% इसको कैश रेशियो बोलेंगे, और जो 25% अमाउंट कस्टमर ने नहीं दी है वो रिटेंशन मनी है। सो इट इज यूजुअल प्रैक्टिस नॉट टू पे द फुल अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। द कॉन्ट्रैक्टी मे पे अ फिक्स परसेंटेज, कॉन्ट्रैक्टी मतलब यहाँ कस्टमर, मे पे अ फिक्स परसेंटेज, जैसे कि 80% या 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। जैसे मैंने 75% का एग्जाम्पल दिया, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाएगा कि जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा इसका इतना अमाउंट मैं आपको पे करूंगा। सो दैट अमाउंट इज नोन एज कैश रेशियो, जो अमाउंट पे किया जाएगा। द बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड इज नोन एज रिटेंशन मनी। एक है एक्स्ट्रा वर्क। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो बाद में कस्टमर कुछ चीजें उसमें ऐड करवा देता है, जो बिगिनिंग में एग्रीमेंट किया तब जो डिसाइड नहीं हुआ था उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें कस्टमर ऐड करता है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कस्टमर ने, कॉन्ट्रैक्टी ने ऐड किया है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज किया जाएगा और उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। नाउ हियर पॉइंट इज गिवन प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका प्रॉफिट कैसे फाइंड करना, जो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा, तब वापस यहाँ पे इस थ्योरेटिकल डिस्कशन के ऊपर आएंगे। नाउ लेट अस टेक वन एक्सरसाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द बीबीए कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक्स लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। The following particular relate to the contract number 125 carried out during the year ended 31st March 2015. See, the information is given. Work certified by the architect. 1,43,000 का work certified कर दिया है. Cost of work not certified. अभी तक workers work not certified हुआ है वो है 3,400 का। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के दो हिस्से हो गए, कि वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड कितना है और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है। प्लांट इंस्टॉलेशन एट साइट 11,300, तो 11,300 का प्लांट वहां पे हमने इंस्टॉल किया है जो भी हमारा काम होगा इसके लिए। वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 31st मार्च 15, ये जो प्लांट हमने इंस्टॉल किया था वो 31st मार्च को उसकी वैल्यू है 8,200। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब प्लांट स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, तब 11,300 उसकी वैल्यू थी, अब एंड हो गया तो 8,200 हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन है। तो आप क्या करोगे, 11,300 को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड बताओगे और 8,200 को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड बताओगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। या तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ले लो इन दोनों का डिफरेंस,
3100, वो 3100 डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड सॉरी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे बता सकते हो। मटेरियल 64500, लेबर 54800 एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस बताए हैं। वेजेस अक्रूड ऑन 31 मार्च 1800, मतलब वेजेस पे करना अभी बाकी है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 2400, मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 1400, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर 400, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है। और कुछ मटेरियल हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, गोडाउन होते हैं, वहां से वो मटेरियल लाते हैं और अलग अलग साइट पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो स्टोर से मटेरियल लाया गया, अब उसी स्टोर में वापस भेज दिया, तो वापस भेज दिया तो क्रेडिट कर दोगे, जब लाए तब उसको डेबिट किया था। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक्रूड ऑन 31 मार्च 2015 ₹200 इज गिवन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपया यहाँ पे डिसाइड हुआ है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,30,000। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है और बोला है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अभी लास्ट लाइन मैंने जो हाईलाइट किया है यहाँ पे ऐसा बोला है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से करना है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट इज अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ऊपर टाइटल दे देना है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 125 अकाउंट। नंबर नहीं दिया है तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मंथ दिया है, ईयर दिया है तो लिखना है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, पहले तो टाइटल दे देना। दो साइड बनेगी, डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ प्रिंटिंग नहीं हुआ है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, जिसे आप अकाउंट बनाते हो उस तरीके से। जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं उसको डेबिट साइड पहले लिख देना है। तो देखो मटेरियल का लिख दिया है 64500, लेबर का 54800, बता देता हूँ क्वेश्चन में। ये दो आइटम जो यहाँ पे दिया है, और टिक भी करते जाते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि ये दो चीजें हमने बता दी। देयर आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस का अमाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3250 2400, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। और दूसरा था डायरेक्ट एक्सपेंस 2400। जो भी एक्सपेंस है वो बताए। देयर आफ्टर वेजेस एक्रूड 1800। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको ये चीज याद रखना है, इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर कोई एक्सपेंस होता है, हमने पे किया या नहीं किया, दैट इज इमटेरियल। एक बार एक्सपेंस हुआ तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर हमने लेबर बताया था 54,800, मतलब वो वेजिस ही है। उसमें कुछ वेजिस अभी तक पे नहीं किया है, 1800 रुपये का। तो भले आपने पे नहीं किया है पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बताओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए अभी से इसको बता दिया। तो वेजिस एक्रूड 1800, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड 200। कोई भी एक्सपेंस बाकी है, पे नहीं किया है, तो आप उसको बता दोगे।
इतनी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वो हमने ऑलरेडी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिए। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज गिवन प्लांट एट साइट 11,300 जो मैंने आपको यहां पे बताया था। जब नया प्लांट आप साइट पे ले जाते हो तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट साइड लिखो और उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू दिया है उसको क्रेडिट साइड पे बताएंगे। 11,300 and 8,200 11,300 आप यहां पे बताओगे और 8,200 आप क्रेडिट साइड पे बताओगे। डिफरेंस की अमाउंट जो आएगी वो डेप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन में आपको बताया मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 1,400 क्लोजिंग स्टॉक है। आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिट साइड पे हम बताते हैं, तो क्रेडिट साइड पे इसको बता देंगे 1,400 को। और जो मटेरियल रिटर्न किया है वो भी हम क्रेडिट साइड पे बताएंगे। कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो जरूरी नहीं होगा तो हमने स्टोर में रिटर्न कर दिया। सो 1,400 and 400 That will be shown on the credit side. Okay. अब इस क्वेश्चन में आप देखो वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट 1,43,000 का वर्क सर्टिफाई हुआ है। तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड उसको हम ध्यान में लेके एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेबिट क्रेडिट में क्या लिखना वो तो सिंपल चीज है, पर जो वर्क सर्टिफाइड होगा उस वर्क सर्टिफाइड को कंसिडर करके हमें प्रॉफिट फाइंड करना है एस्टिमेटेड। तो आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो क्रेडिट साइड पे बताया जाएगा जो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता तो यहां पे हम वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता। ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए आपको यहां पे क्रेडिट साइड पर बताना पड़ेगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस जो दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क सर्टिफाइड 1,43,000 जो यहां पे डेबिट साइड पे आपको दिया है, एरर इसमें स्टार्टिंग में ही दिया था आपको। एक तो ये चीज है। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड 3,400 इन दोनों को आप यहां क्रेडिट साइड पे बता रहे हो। अब देखो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर दी है, कोई कोई चीज बाकी नहीं बची है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 1,56,400। उसमें से आप डेबिट साइड की सारी आइटम्स माइनस कर दोगे
तो जो डिफरेंस मिलेगा 18,150, ये आपका प्रॉफिट नहीं है, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जिसको हम नोशनल प्रॉफिट कहेंगे। तो दिस इज द नोशनल प्रॉफिट। इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये जो नोशनल प्रॉफिट आया उसको सामने के साइड ले जाना है, फिर क्रेडिट साइड। अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा नहीं है, इसका कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, लास्ट लाइन। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। आपका जो भी नॉमिनल प्रॉफिट आया उसका 2/3 ऑन कैश बेसिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश बेसिस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 2/3 भी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन देखते हैं। आपका जो प्रॉफिट आया 18